ग्यारहवें स्कंद का चौदहवें अध्याय का और 26वां श्लोक। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवां जनसंप्रयुक्तम्। जैसे जैसे हमारे हृदय पे जो धूल जमी है, जो कालिमा जमी है, उस पे अब किसी बुद्ध पुरुष के, महापुरुष के, गुरु के वचन रूपी रज धूल अंजन बन के जैसे आंखों को साफ करती है, ऐसे ही औषधि बन करके हृदय के, तो हमें भगवान का आभास होने लगेगा। जस्ट इसके विपरीत, जब हम संसार की चर्चा सुनेंगे तो हमारे हृदय के ऊपर वह धूल और जमती चली जाएगी, कालमा जमती चली जाएगी। पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा होगा कि चूल्हे पर रोटी बना करती थी, चूल्हे पर रोटी बनती थी तो चूल्हे के ऊपर के हिस्से की जो छत थी ना, वो पहले दिन थोड़ी सी काली, दूसरे दिन और ज्यादा काली, तीसरे दिन और ज्यादा काली, और काली होती चली जाती थी। और सच बताएं उस पे फिर कभी पुताई होती थी ना, तो पुताई भी काली हो जाती थी। पुराने जमाने के जो लोग होंगे वो मेरी बात समझेंगे कि सफेदी को भी काली कर देती थी वो। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार का श्रवण करते करते, संसार का श्रवण करते करते हमारा विश्वास, हमारे निश्चय, हमारे मान्यताएं संसार परक हो जाती हैं, संसार में हो जाती हैं, और उनसे संसार में ही रुचि और संसार में विश्वास और संसार ही उसका आधार बनता चला जाता है। यही कालिमा है। जैसे उदाहरण के लिए द्रौपदी और सीता जी, द्रौपदी का भी को भी जटाएं पकड़ करके दुशासन उसके महल में से खींच के लाता है, और सीता को भी पंचवटी में से रावण, रावण भी दुशासन है, रावण ये आदेश देता है कि जहां कहीं ये जितने ये उसे सब ढोंगी दिखाई देते हैं, क्योंकि वो स्वयं ढोंगी है ना, उसे ढोंगी इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो स्वयं ढोंगी है। लेकिन राम जी को सब साधु दिखाई देते हैं क्योंकि वो स्वयं साधु है। हमारी प्रवृत्ति संसार के लोगों के साथ रह करके संसार पर हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है, दौलत पर, लोगों पर। देखो दुर्गा सप्तशती में एक पंक्ति आती है, धनम देहि जनम देहि शत्रुम जहि। वो माता से प्रार्थना करते हैं, माता यूं कहते हैं तू मिल, ऐसा नहीं कहते तू मिल ना, हे माते धनम देहि जनम देहि, हमको धन दे और जन यानी परिवार, बड़ा परिवार दे दे, और हमारे शत्रुओं को मार डाल। अच्छा है, मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये साधना की उच्च कोटि की स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी उसे जन पर और धन पर विश्वास है। इसलिए कह रहा है कि धनम देही जन्म देही, जन्म का मतलब जन्म मरण नहीं है, जन्म माने जन परिवार। बोले बाके पास 20 जने हैं, बाके पास 50 पट्ठाएं, बाके पास 100 लट्ठे, लोगों को इन पे भरोसा होता है। तो मैं द्रौपदी और सीता जी की बात कर रहा था। सीता जी का जब हरण होता है और द्रौपदी का जब हरण होता है, इन दोनों के हरण में एक बड़ी बड़ी, यद्यपि दोनों की रक्षा भगवान करते हैं, दोनों की रक्षा भगवान करते हैं, लेकिन एक बड़ा फर्क है। फर्क क्या है?
जब चीर हरण हो गया, कुछ दिनों बाद भी जब जंगल में रह रहे थे, जुआ में हार गए राजपाट, और 12 वर्ष का वनवास हो गया और 13वें वर्ष का अज्ञातवास हो गया, जब जंगल में रह रहे थे तो भगवान श्री वहां दुर्वासा ऋषि आए हैं और भगवान ने वहां मदद की है द्रौपदी की, और एक सेकंड में भगवान वहां आ गए। जैसे द्रौपदी ने कहा कि प्रभु आप रक्षा करो, आज दुर्वासा ऋषि आए, हमारे यहाँ खिलाने के लिए कुछ है नहीं, सांप से मार डालेंगे, तुरंत भगवान दरवाजे से कहते हैं, अरे कृष्णा, द्रौपदी का नाम था कृष्णा, कृष्णा, अरे प्रभु आप आ गए। जब दुर्वासा ऋषि चले गए, बाद में द्रौपदी ने महाभारत आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, एक प्रश्न किया कि प्रभु आप एक बात बताइए, आज आपको एक मिनट नहीं लगी आने में, और उस दिन जब मुझे दुशासन खींच के ला रहा था, यदि आप कमरे के अंदर ही प्रकट होकर के दुशासन को मजा चखा देते, जैसे आज लाज बचाई, आज भी एक इज्जत बची, उस दिन भी एक इज्जत की बात थी और आज भी एक इज्जत की बात थी, तो आप उस दिन आज की तरह आ गए होते तो कम से कम मुझे घसीट करके, खचेर करके जब दुर्वासा ऋषि आते हैं तो उस समय वो न युधिष्ठिर को पुकारती है, न भीम को पुकारती है, न नकुल को, न सहदेव को, न किसी और को, वो सिर्फ ये कहती है हे कृष्णा। उसे पता है कि इस विपत्ति में अब ये पांचों पति मेरे काम नहीं आ सकते, आ सकते हैं तो केवल कृष्ण। ये विश्वास कहीं ना कहीं सत्संग का था, कहीं ना कहीं अनुभवों का था, कहीं ना कहीं कुंती की संग की देन थी, कहीं ना कहीं विदुर की कृपा थी, कहीं ना कहीं कृष्ण के वचनों का प्रभाव था, ये जो जागृत था। लेकिन उस समय क्या हुआ था, जब चीर खिंच रहा था उस समय वो इन बातों को भूल ही बैठी थी, उस समय कोई मद और था, उसे ये नहीं पता था, उसे पता तो था लेकिन ये बात तो उसके दिमाग में संसार में रह करके, संसार के साथ में आकर के विस्मरण हो गई कि मुझे हर परिस्थिति में भगवान को पुकारना चाहिए। वो पितामह भीष्म को पुकारती है, वो द्रोणाचार्य को पुकारती है, पांडवों को पुकारती है, लेकिन जब कोई काम नहीं आया तब भगवान को पुकारती है।